तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो मेरे से पूछा जाए कि मेरी फेवरेट टाइम ट्रैवल सीरीज कौन सी है, तो मेरे दिमाग में एक ही का नाम आएगा, वो है डार्क। डार्क के 3 सीजन्स हैं और 26 एपिसोड्स हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.8 करंट टाइम में, और रॉटन टोमेटोज हैं इसके 90% फ्रेश। इसके डायरेक्टर हैं ब्रेंडन ओडर, राइटर हैं यांसे फ्रीजे ने, अगर मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया हो तो, और म्यूजिक कंपोजर है ब्रैंड फास्ट। तो जिसने भी डार्क नहीं देखा है तो ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री होने वाली है, और शायद वीडियो देखने के बाद तुम्हारा मन हो जाए सीरीज को देखने का। तो अगर हम स्टोरी की बात करें सबसे पहले, तो ये स्टोरी शुरू होती है जर्मनी में एक फिक्शनल शहर है, उसका नाम है विंडेन। उधर बच्चे गायब होने लग जाते हैं किसी वजह से, और सब पूरे विंडेन के शहर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि ये क्या होने लगा है। और इसी वजह से एक टाइम ट्रैवल वाली सीरीज भी शुरू हो जाती है इसी के अंदर ही। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है फर्स्ट एपिसोड से ही। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, साइकोलॉजी उनकी, कि वो कैसा सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, तो ना वो बुरे हैं ना वो अच्छे हैं, एक तरह से जस्ट परफेक्ट ह्यूमन। और अगर हम बात करें एक्टर्स की, तो मुझे एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली खासकर जिसने नोवा का प्ले किया है, अमेजिंग यार। म्यूजिक इनमें से सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं बोलूँ सीरीज में से सबसे टॉप क्लास चीज़ चुननी हो तो म्यूजिक यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एपिसोड के एंड में एक म्यूजिक बजता है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, एक मॉन्टाज लेके आ जाता है। सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है, ज़्यादातर हॉरर जैसा ही फील आता है, तो हॉरर फैंस के लिए बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। अगर मैं आपको एडवाइस दूँ कुछ चीज़ों की, तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें 70 से ज़्यादा तो कैरेक्टर्स हैं और 20 से ज़्यादा मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, पर ये सब किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड ही है, और हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से देखना क्योंकि शो फुल अटेंशन चाहता है तुम्हारी। वैसे अगर तुम्हें नाम या फेसेस याद नहीं होते तो फिर नोट्स बना सकते हो। फैमिली ट्री गूगल पर सर्च मत करना, गलती से भी स्पॉइलर मिल जाएंगे बहुत बड़े वाले। और इसको इंग्लिश से जर्मन ऑडियो में ही देखना, क्योंकि ये जर्मन ऑडियो में ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि वहीं की ये सीरीज है तो जर्मन ऑडियो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने BBC में ही देखा था। और ये सीरीज 18+ है तो मान के देखना। ये सीरीज नॉमिनेट हुई है जर्मन के गोल्डन कैमरा अवार्ड्स में, और ये ब्राजीलियन ब्रेक टूर अवार्ड्स 2018 में भी बेस्ट टीवी शो के लिए भी नॉमिनेट हुआ है, और इसने 7 अवार्ड जीते हैं जर्मनीज ग्रीमी प्रीस अवार्ड में 2018 में। और इसका कोई सीक्वल अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिएटर जो चाहते थे कि 3 सीजन में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ट्रिलॉजी थी स्टोरी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सीरीज वर्थ वॉचिंग है, और हो सकता है कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज भी बन जाए। हाँ, हो सकता है, मेरी भी बन गई है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। और जिसको आप डार्क दिखाना चाहते हो या फिर आपको ये अच्छा आइडिया मिल गया है डार्क के बारे में, तो आप ये वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो। तब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगली बार मैं डार्क के ऊपर, इसके सिम्बोलिज्म और इसकी फोरशैडोइंग के ऊपर भी बात करेंगे हर सीजन को लेके। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।